अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपको ये ग्लोई सा 10 मिनट्स मेकअप करना सिखाऊंगी। सो मेक श्योर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए विद ओनली ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले मैंने अपना फेस जो है अच्छे से क्लीन कर लिया था फेस वॉश के साथ, और इसके बाद मैं लाइट वेट जो है निविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर लें। हाइड्रेशन के बाद जो है मैं सबसे पहले प्राइमर यूज़ करूँगी। मेरे पास है एल्फ का कुकीज़ एंड ड्रीम्स के नाम से प्राइमर, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये आपके पोर्स को जो है वो काफ़ी सीमलेस से फिनिश दे देता है, एंड इट्स वन ऑफ माई बेस्ट प्राइमर्स फ्रॉम ड्रग स्टोर। तो इसको अच्छे से फिंगर्स में ब्लेंड कर लिया है ताकि आपके जो पोर्स वगैरह हैं वो कवर अप हो जाए। और मैंने इसके बाद तकरीबन 1 मिनट का गैप दिया था बिफोर अप्लाइंग माई फाउंडेशन। और फाउंडेशन जो है अभी तक मेरी ये बहुत ही कोई बेस्ट तरीन फाउंडेशन जा रही है ड्रग स्टोर में, और ये है मिलानी की कंसील प्लस परफेक्ट फाउंडेशन 2 in 1। तो बेसिकली इसके बाद आपको कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सो इसीलिए जो है वो मैं इसके बाद अक्सर कंसीलर यूज़ नहीं करती हूँ, बट इट रियली कवर अप योर डार्क सर्कल्स। लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी प्लीज़ यूज़ एनी कंसीलर विच एवर यू हैव। और जी इस फाउंडेशन का कलर है मेरे पास वो है 05, दैट इज़ वॉर्म बेज। सो क्योंकि फाउंडेशन का कंसर जो कलर है वो थोड़ी देर के बाद जो है वो सेटल डाउन हो जाता है आपकी स्किन के हिसाब से, तो इसलिए थोड़ी सी अभी लाइटर लगी मे बी, बट इट्स लाइक आफ्टर वर्ड ये बिल्कुल ठीक हो जाती है, सेट हो जाती है। और इसके बाद जो है मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया फाउंडेशन को, और देन मैं जो हूँ वो अपना मेकअप सेट करूँगी लूज पाउडर से। और जो लूज़ पाउडर मैं यूज़ करने लगी हूँ दैट इज़ मेबलिन का फिट मी, और इसका जो कलर है वो है लाइट मीडियम, दैट इज़ 20। और अच्छा, जब भी आप लोग जो हैं वो अपने फाउंडेशन को सेट करें उसको कभी भी डायरेक्टली अप्लाई ना करें, मेक श्योर आप अपने हाथ पे रब कर लें ताकि जो ऊपर का प्रोडक्ट है वो जो है वो निकल जाए और वो आपकी फाउंडेशन को केकी ना बनाए। सो बहुत अच्छी ग्लोई सी ड्यूई सी फिनिश आती है। सो प्लीज़ डू मेक श्योर कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप इस तरह की वीडियोस को लाजमी आगे देख सकें। अब फाउंडेशन सेट करने के बाद मैंने यूज़ किए हैं शी ग्लैम के ब्राउन्सर, ब्लश और हाइलाइटर। तो इन तीनों को जो है वो अच्छा, मुझे शी ग्लैम के जो है ना प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली ये तीन प्रोडक्ट्स। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि डू यू नो यूज़ दीज प्रोडक्ट्स, और बहुत ज़्यादा लाइक इकोनॉमिकल भी हैं, पॉकेट फ्रेंडली हैं स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। तो मेक श्योर आप अपने जो है मेकअप बैग में इन तीनों को ऐड लाजमी करें। तो ब्राउन्जर को अच्छे तरीके से जो है मैंने ब्लेंड कर लिया है, और इसको मैं सेट करूँगी। मेरे पास जो है वो सेफोरा की किट है, और ये ट्रियो किट है इनकी, लेकिन इसमें तीनों हैं हाइलाइटर, ब्राउन्जर एंड फॉर कॉन्टोर। तो मैं इसमें से जो है वो कॉन्टोर नो आई एम गोइंग टू यूज़ दी ब्राउन्जर, या ब्राउन्जर वाला मैं यूज़ करूँगी और इसको सेट करूँगी। ऑल दो आई गेस मैंने एक साथ करना था सेट, लेकिन मैं नहीं कर सकी, बट खैर मैंने पहले आई गेस तीनों लगाने के बाद जो है ना वो अब सेट करूँगी। सो दिस इज़ द सेफोरा किट, इसमें से ब्राउन्जर यूज़ कर रही हूँ सेंटर वाला, और मेरे पास जो किट है इसमें आई गेस दो शेड जाते हैं, और मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है लाइट मीडियम। तो इसके अंदर से मैंने ब्राउन्जर लिया है, उससे अपनी कॉन्टोर को सेट कर लिया है, और इसके बाद जी आई एम गोइंग टू यूज़। अच्छा, जब भी आप ब्राउन्जर सेट करें ना, मेक श्योर आप उसको अपवर्ड ब्लेंड करें ताकि आपकी जो फेस है वो थोड़ा सा स्नग लग रहा है, मतलब थोड़ी सी पतली दुबले आपका चेहरा लगे। तो जी मैंने ब्लश को भी ब्लेंड कर लिया है और हाइलाइटर को भी कर लिया है। अब जो हूँ मैं इसके ऊपर पाउडर ब्लश लगा रही हूँ। पाउडर ब्लश के अंदर मैं फिटमी का यूज़ कर रही हूँ, और इसका शेड है 30, और बहुत अच्छा है इसका, लाइक बिल्कुल लाइट सा है और कलर बहुत खूबसूरत आता है, स्पेशली जैसे हमारी इंडियन और पाकिस्तानी थोड़ी सी ब्राउन टोन्स हैं उसके ऊपर इसका कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और इसी ब्लश को जो है वो मैं एक फ्लफी ब्रश से अपनी आइज़ के ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ टू मेक इट अ गुड लक। और यहाँ पर हमने आईब्रो सेट करी वहाँ से। सो आईब्रोज़ को जो है मेरे पास ये आईब्रो की पेंसिल है फ्रॉम मिनीसो,
मैंने ये मिनीसो से बाय की थी और मुझे इसका नाम नहीं पता, बट आई गेस उनके पास शायद ये एक ही ब्लैक में होती थी जब मैंने बाय की थी। इसको मोर देन अ ईयर हो गया मेरे पास, तो खैर इसको ब्राउन शेड में है, ये डार्क ब्राउन में, मोका ब्राउन आई गेस। सो इसको लगा के लाइट सी मैं अपनी आईब्रोज को स्पूली से ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ अब मैं जो हूँ वो इसी ब्लश को जो मेरे पास फिटमी वाला है, फ्लफी ब्रश से अपनी आईज़ के ऊपर जो है एक डेप्थ क्रिएट कर लूँगी और थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँगी ताकि एक थोड़ी सी फ्रेश लुक आए जी। और इसके बाद जी जैसे ही मेरा आईज़ जो है वो सेट हो रही हैं, इसके बाद हम लगाएंगे अपनी आईज़ के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा आईलाइनर। ये मेटालिक आईलाइनर पेंसिल है और ये भी मैंने शी ग्लैम से मंगवाई है और इसकी डबल टोन है। जैसे जैसे ये पेंसिल यूज़ होती जाती है इसकी डिफरेंट टोन निकल आती है। सो बेसिकली इट्स लाइक टू टोन। अभी जो है ये ग्रीन मेटालिक में चल रहा है, इसके बाद ये थोड़ी सी ब्राउन मेटालिक की तरफ जाएगी। सो ग्रीन आईलाइनर मैंने लगा लिया है, आईलाइनर पेंसिल, सो इट्स अ मेटालिक ग्रीन आईलाइनर। सो बड़ी अच्छी सी आपके लुक को जो है वो आंखों को अपलिफ्ट कर देता है, बड़ी फ्रेश से लुक आती है। मस्काराज में जी मैं दो मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये दोनों मेरे फेवरेट हैं और मैं इन दोनों को ब्लेंड करके एक साथ मिक्स करती हूँ और फिर लगाती हूँ। और जो वाइट वाला है वो एसेंस का है, द फॉल्स लैशेज मस्कारा एक्सट्रीम वॉल्यूम एंड कर्ल। और जो ब्लैक वाला है वो एल्फ का है, दैट इज़ लैश रोल। सो ये दोनों बहुत अच्छे मस्काराज हैं और मैं दोनों को रिकमेंड करूँगी और बहुत अच्छे से जो है ना वो आपकी लुक को नीट से आंखों को क्रिएट कर देते हैं। इसके अलावा लिपस्टिक भी मैं दो यूज़ कर रही हूँ, एक है एमरिच की और इसका कलर है 13 नंबर है, सॉरी नंबर 13 है, और दूसरा इसके ऊपर मैं मैट ग्लॉस लगा रही हूँ, ग्लॉस नहीं मैट लिपस्टिक ही है, और इसका शेड है लेट मी सी, ओके इसका शेड है नास्टी कॉरल और इसका नंबर है G09 और ये फ्लोर मार्की है। तो ये सारे ही तकरीबन ड्रग स्टोर ब्रांड है एक्सेप्ट शीन। और जैसे ही आप लिपस्टिक लगाएं ना तो कोशिश किया करें उनको उसको अपनी फिंगर से डैपिंग मोशन में किया करें, इट लुक्स रियली नाइस। एक तो अच्छे से फिंगर से ब्लेंड भी हो जाती है, बहुत नेचुरल फिनिश देती है, दूसरा आप देखेंगे कि आपके जो लिप्स हैं ना वो थोड़े से प्लम्प और थोड़े से पाउटी लगते हैं। कॉर्नर्स मैंने साफ कर लिए और अब मेरी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। बाल सेट करने के बाद माई फेस वॉज ग्लोइंग और बहुत अच्छी सी लुक आ रही थी। तो मेक श्योर अगर आप लोग भी ऐसी लुक अचीव करना चाहते हैं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह वेलकम फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।